महंगाई का एक और करंट लगने वाला है। बता दें आपको कि महंगी होने वाली है बिजली। जी हां, जेबीवीएनएल ने प्रस्ताव दिया है जिसके बाद बिजली और महंगी होने वाली है। जेबीवीएनएल ने देखिए 2.85 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है और अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो फिर बिजली और महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह प्रस्ताव दिया है जिसमें 2.85 रुपए की बढ़ोतरी का प्रपोजल है और आपको बता दें कि प्रति यूनिट 2.85 रुपए बिजली महंगी होगी अगर ये प्रस्ताव मान लिए जाते हैं तो। वर्तमान दर भी आपको बता देते हैं 6.65 रुपए है और अगर ये प्रस्ताव मान लिए गए तो ये बढ़कर हो जाएगा 9.50 रुपए। यानी कि बिजली अभी और महंगी होने वाली है। अभी आप 6.65 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं लेकिन अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो फिर ये 9 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, 9.50 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। फिक्स चार्ज जो है उसमें भी भारी वृद्धि का प्रस्ताव है। टैरिफ प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग अब 21 अगस्त से इस पर सुनवाई करेगा। और चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी चितरंजन, महंगाई का एक और करंट लगेगा, बिजली महंगी होगी और ये कुछ ज्यादा ही महंगी होगी क्योंकि अभी 6.65 रुपए प्रति यूनिट है। अगर ये प्रस्ताव जो जेबीवीएनएल ने दिया है अगर वो स्वीकार कर लिया गया तो 9.5 रुपए तक बिजली चार्ज होंगे और फिक्स्ड रेट जो है उसमें तो वृद्धि होगी ही होगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ राज्य सरकार जहां किसानों के ऋण माफी का कैबिनेट में प्रस्ताव लाती तो वहीं दूसरी तरफ जो जेबीएनएल है उन्होंने टैरिफ प्लान बढ़ाने का प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को भेजा। तो देखिए ये प्रस्ताव पर मोहर लगते ही जो बिजली दर है प्रति यूनिट वो 2.85 रुपए जो है वो बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, तो इसके साथ ही बिजली जो है वो महंगी हो जाएगी। एक तरफ जहां लच्चर बिजली व्यवस्था की लगातार तस्वीरें दिखती है कि खासकर बरसात हो या गर्मी हो चाहे ठंड के दिनों लगातार बिजली की सप्लाई जो है वो बनी रहती है, लेकिन एक तरफ जेबीएनएल जो है लगातार टैरिफ जो है वो बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति चल रही है, एक तरफ राज्य की जनता को सही से बिजली नहीं दे पा रही लेकिन अपना मुनाफा को देखते हुए टैरिफ प्लान जो है वो जरूर बढ़ाया जा रहा है। देखिए स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की जा रही है, स्मार्ट मीटर में आपको पहले से रिचार्ज किया जाएगा, मॉडल तो दिल्ली और महानगरों वाली मॉडल अपनाए जाते हैं लेकिन जो सुविधाएं देनी होती है तो वो गांवों वाले भी सुविधाएं एक पिछड़े राज्य में जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं देने से भी वंचित कर दिया जाता है उपभोक्ताओं को। तो दोहरी नीति के तौर पे देखा जाए, एक तरफ जेबीएनएल जो है राज्य की जनता को सही से बिजली नहीं दे पा रही लेकिन टैरिफ प्लान बढ़ाने का जो प्रस्ताव है जरूर राज्य सरकार को भेज रही है। और चितरंजन देखिए पिछले 2-3 दिनों से हम जो कम से कम राजधानी वासी तो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि बिजली सप्लाई को लेकर क्या व्यवस्था की गई है। 8 से 10-10 घंटे बिजली नहीं रह रही लेकिन इस पर कभी बात नहीं होती कि कैसे आप निर्बाध बिजली आपूर्ति करेंगे, लेकिन ये टैरिफ में बढ़ोतरी जरूर हो रही है और इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया जाता है थोड़ा बहुत कम और ज्यादा कर। देखिए आज आप राजधानी रांची में रहते तो बिजली 8 घंटे नहीं रह रही है। आप सोचिए उन ग्रामीण क्षेत्रों के गुमला लोहरदगा चायबासा सिंहभूम इन क्षेत्रों में सोचिए कि बिजली की क्या स्थिति होगी और इन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कितने देर रहती होगी। हमारे यहाँ 8 घंटे कटने से हम परेशान, वहाँ 8 घंटे भी 24 घंटे में बिजली रह पाती है कि नहीं कह पाना मुश्किल है, लेकिन टैरिफ प्लान और वहाँ का मासिक में जो महीने का जो बिजली का जो रेट है उसमें भी बढ़ोतरी किया जा रहा है। तो ये पहली बार नहीं है इस तरह के प्रस्ताव जो जेबीएनएल लाया, इससे पहले भी टैरिफ प्लान बढ़ाने का जो प्रस्ताव वो भेज चुकी है। तो लगातार टैरिफ प्लान जो है बढ़ाया जा रहा है लेकिन बिजली की लचर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रही है। शुक्रिया चितरंजन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए भले ही आपको बिजली मिले ना मिले लेकिन बिजली टैरिफ दर जो है वो जरूर बढ़ेगी क्योंकि जेबीवीएनएल ने एक बार फिर से प्रस्ताव दिया है बिजली दर बढ़ाने का और ये प्रस्ताव इस बार 2 रुपए से ज्यादा का है। यानी कि अगर आप इस बार लगभग 6.5 रुपए अगर प्रति यूनिट दे रहे हैं अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो 9.5 रुपए के आसपास प्रति यूनिट होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिक्स्ड चार्ज में भी भारी वृद्धि का प्रस्ताव है। अगर फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ा तो आप सोचिए बिजली कितनी महंगी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 24 घंटे में से कितने घंटे बिजली मिल रही है। हम राजधानी वासी जो हैं वो हाँ राजधानी में ही कम से कम 7 या 8 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। दूर दराज के इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में हालत क्या होगी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हाँ बिजली की दरों में इजाफा जरूर हो रहा है।
और चलिए अब आपको बताते हैं टीवी 45 की खबर के बड़े असर की। कुकरू प्रखंड में